नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी भी कारणवश अगर पशु चिकित्सक उपलब्ध ना हो और उस स्थिति में हमें गाय भैंस या बकरी की डिलीवरी करवानी हो तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। होता क्या है कि जो ग्रामीण इलाका होता है, लोकल इलाका, उसके अंदर ज़्यादातर पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध नहीं होती और पशु चिकित्सक टाइम पर पहुँच नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें कई बार क्या है कि जो लोकल, जो प्राचीन समय से जब जिनको जानकारी है थोड़ी बहुत, वो डिलीवरी करवाते वगैरह, लेकिन अभी जो करवाते हैं वो डिलीवरी तो करवा देते हैं लेकिन उसके बाद हमें बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, उससे कि पशु की जान भी जा सकती है। इस प्रकार के केस मैंने देखे हैं, तभी मैंने सोचा कि आपके साथ इसके विषय पर जानकारी साझा की जाए। तो सबसे पहले तो आप है, अगर आप जितना हो संभव हो उतना आप पशु चिकित्सक की हेल्प लें। अगर आपको किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं हो कि आपको सुविधा मिल ही नहीं पाए और उतना टाइम या टाइम ज़्यादा लग जाए, तो उस कंडीशन के अगर आप अगर किसी वैद्य से करवा भी रहे हैं डिलीवरी, तो उसके अंदर आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे कि इससे होने वाले खतरे से काफ़ी हद तक बचा जा सके। इन्फेक्शन वगैरह फैल जाते हैं तो उसके बाद हमें उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। मैंने ऐसे पिछले कई दिनों में बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिसके अंदर इस प्रकार की समस्या मुझे देखने को मिली है। तो आप भी अगर इस प्रकार के अगर आपके सामने समस्या आ जाए और करवानी भी पड़ती है, क्योंकि डिलीवरी का मामला ही ऐसा होता है, अगर पशु चिकित्सक टाइम पर नहीं पहुंचता है तो उस स्थिति में कुछ घातक परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी जानकार से ऐसा करवा रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ खास बातें, जैसे उसके लिए आप जो सीत आती है उसका उपयोग करें, जो इस प्रकार की स्लीव आती है, इसको बगैर पहने आप कभी भी डिलीवरी वगैरह करवाने की कोशिश ना करें। और अगर हो सके, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 3 से 4 रुपए का, और नॉर्मली 1-2 रुपए का, जितना भी आपके आपके हिसाब से जहाँ आपका एरिया है वहाँ पर मिलता है उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। और जो बीटाडीन आती है, पोविडीन आयोडाइन, जो लगभग हर घर में मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, वो भी कोई खास महंगी नहीं आती है। इन कुछ आप जो नॉर्मल सी चीज़ें, इनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो इससे क्या है कि बैक्टीरिया के फैलने का या जो संक्रमण होने का खतरा है, जो यूट्रस के अंदर कई बार संक्रमण हो जाता है और उससे हमें बहुत ही बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो इससे बचने के लिए आप इस प्रकार की कुछ सावधानियाँ रख सकते हैं। और जितना संभव हो आप चिकित्सक की ही सहायता लें, अन्यथा इसमें आपको रिस्क रहती है, आपके पशु की जान भी जा सकती है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार क्या है कि इस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने पैदा हो जाती है कि उसके लिए हमें ऐसा करना ही पड़ता है, तो उस स्थिति में आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें और जहाँ तक हो तो आप पशु चिकित्सक की ही सहायता लें। और इसके बाद अगर आपका पशु चिकित्सक लेट पहुंचता है तो उससे इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं और संक्रमण से बचने के लिए आप इन प्रकार के उपायों को कर सकते हैं। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।